नमस्कार दोस्तों, द अर्थ न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशीष कपूर। आज के प्राइम टाइम में हम डिस्कस करेंगे के साथ जो परसों रात को हमने देखा हमारे स्टेट में हुआ कुलगाम इंसिडेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसको कुछ लोग कुलगाम किलिंग्स के नाम से भी हम देख रहे हैं, ट्रेंड करवा रहे हैं सोशल मीडिया में, या हम ऐसे लोग जो चाहते हैं वहाँ पर जो है इस तरह के इंसिडेंट्स हैं वो चलते रहें, इसी तरह से होता रहे, वो कश्मीर किलिंग्स का नाम भी दिया जा रहा है। हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, हम इसका रीज़न नहीं ढूंढ रहे हैं, हम बस किसी ना किसी इंसिडेंट को पेंट कर देते हैं, किसी ना किसी की जिम्मेदारी बांधने की कोशिश करना शुरू कर गए हैं हम इन इंसिडेंट्स पर। इसी पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट परवेज खान, जिन्होंने आज एक प्रेस वार्ता भी रखी थी मीडिया के लिए, और जिसमें बताया, जिसमें उन्होंने जो है कश्मीर किलिंग्स को लेकर एक डिस्कशन भी जो थी इन्होंने की मीडिया पर्सनल के साथ। तो हमें भी मौका मिला आज इनके साथ इसी को डिस्कस करने का, लेकिन हम चाहेंगे एक इसमें जो डिस्कशन हो हमारी, इसमें हम रीज़न ढूंढेंगे सबसे पहले कि रीज़न क्या है कुलगाम में जो किलिंग्स हुई हैं, या हम बात करें वो एक जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके रीज़न क्या है, क्या उसका रीज़न खुद वो लोग हैं जो एनकाउंटर साइट पे मना करने के बावजूद गए, या उसके लिए हम फोर्सेस को जिम्मेवार ठहराएं जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं की। एक्चुअल में हु इज़ द रियल कल्प्रिट ऑफ दोज किलिंग्स, तो इसी पर बात करेंगे। प्रवेश जी, हम आपका अर्थव्यू में स्वागत करते हैं। हम देख रहे हैं प्रवेश जी, जो ये कुलगाम्स में जो दर्दनाक हादसा हुआ है एक आतंकवादी हमले के बाद या आतंकवादी ऑपरेशन के बाद, उसको पेंट किया जा रहा है हर इंसान, अगर हम मीडिया की बात करें, अगर हम सेपरेटिस्ट की बात करें, अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, अपनी कन्वीनियंस के लिए हर कोई ना कोई जो है उसको पेंट कर रहा है अपने अकॉर्डिंगली। आपको क्या लगता है बींग अ सोशल एक्टिविस्ट, क्या रीज़न रहा है कुलगाम्स में वो जो डेथ्स हुई हैं 7 सिविलियंस की? आशीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और बात रखने का एक मौका दिया। जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी इस चीज़ के लिए, जो कुलगाम के अंदर 7 लोगों की किलिंग हुई है, वो किलिंग को आप इसको किलिंग मानते हैं? हम भी किलिंग एज एन एक्सीडेंटली कह लीजिए, और डेलिब्रेटली तो मुझे लगता नहीं है कि किसी ने किया होगा, क्योंकि जो किलिंग्स का वर्ड यूज कर रहे हैं हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की बात करें या हम उन लोगों की बात करें जो सेपरेटिस्ट, एक सॉफ्ट सेपरेटिस्ट की तरफ है, वो किलिंग वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा कहना है कि जो किलिंग हुई है ये आर्मी की तरफ से या फोर्सेस की तरफ से किलिंग डेलिब्रेटली की गई है। सर, दिस इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ कि किलिंग और मर्डर, कोई ऐसा बात नहीं है। उसके अंदर ये था कि मिलिटेंट्स थे वहाँ पे, और हमारी इंडियन आर्मी और पुलिस जो थी उन्होंने कार्डर किया हुआ था उस एरिया को। उस एरिया को कार्डर करने के बाद जब लोग वहाँ पे जाते हैं और इनकाउंटर मुकम्मल कर दिया जाता है, उसके बाद में वहाँ पे ब्लास्ट होता है। बात यह है कि अगर हज़ारों की तादाद के अंदर अगर लोग होते तो हम मानते कि हज़ारों लोग चले गए, आर्मी कंट्रोल नहीं कर पाई। बट वहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो 7 लोग, 7 चिराग जो एक घर के बुझ गए हैं, उनका जिम्मेवार कौन लेगा? अगर वहाँ पे 1000 लोग होते तो हम उस चीज़ को एडमिट करते, बट 7 लोगों को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हम 7 लोगों को उसका जो कैडर किया हुआ था मिलिटेंट्स को मारने के लिए, हम वहाँ पर रोक क्यों नहीं पाए? इस चीज़ की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं चाहे सरकार को लेनी पड़े, चाहे हमारी बेल्ट फोर्सेस को लेनी पड़े, बट ये ज़रूरी लेनी ही पड़ेगी। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जिम्मेवारी जो बनती है यहाँ तो सरकार की बनती है, यहाँ तो जो बेल्ट फोर्सेस है उनकी बनती है? बिल्कुल, इसमें तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने है, कोई चीज़ छुपी तो है नहीं कि इनकाउंटर साइट के ऊपर कोई जानबूझ के उनको भेजा गया हो या जानबूझ के उनको किलिंग की होगी, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का ये मतलब नहीं था। हमारा एक मकसद था कि अगर कश्मीर के अंदर कोई, अगर जहाँ वहाँ पे कश्मीरी भाई या बहन हमारा मरता है, हम लोग यहाँ पे खुशी क्यों मनाएं? आखिरकार वो भी उन किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, कोई किसी की बहन भी थी। परवेश जी, मैं एक तो चीज़ साफ करना चाहूँगा, हमने जम्मू में कहीं भी नहीं देखा कि वो जो किलिंग्स हुई हैं वहाँ पे, या हम जिसको डेथ्स बोलेंगे, वो एक दर्दनाक हादसा हुआ है उस पर किसी ने जश्न मनाया हो जम्मू में या भारत के किसी हिस्से में। यहाँ तक कि जो पुलिस है या हम पॉलिटिशियंस की बात करें, उन्होंने भी कंडेम किया उस किलिंग को। हम रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम रीज़न कौन है उन किलिंग का, उन डेथ्स का जो है मेन, अगर हम बात करें। सर, अगर रीज़न ढूंढने की बात करें, रीज़न यही 7 लोगों का नहीं है। अगर आप आंकड़ा निकालें, पिछले 3 साल के अंदर 100 से ज़्यादा सिविलियन किलिंग्स हो चुकी हैं, पैलेट गन से हज़ारों की तादाद के अंदर। मेरे ख्याल आइडिया से अनऑफिशियली अगर देखा जाएगा तो 6000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पैलेट गन के शिकार हुए हैं। उसके अंदर एक बच्ची भी थी जिसने अभी रिसेंटली 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया, उसने अपनी दोनों आँखें खो दी। उसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे विक्टिम्स जो हैं, उनकी भी बात करनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि अगर कश्मीर के अंदर ये खून की होली आखिर कब तक खेली जाएगी, हमारा सवाल ये है कि वो खून की होली कब तक खेली जाए। परवेज खान जी, हम
ओवरऑल सिचुएशन पे डिस्कशन रख सकते हैं, किसी और दिन इस पर डिस्कस कर सकते हैं। हम अभी बात जो करेंगे स्पेसिफिकली कुलगाम इंसिडेंट को लेके करेंगे, क्योंकि एक दर्दनाक हादसा हमारे साथ हुआ है। हमें भी दर्द होता है जब किसी माँ का बेटा जो है, चिराग जो है, वो पूछता है। रीज़न क्या है, वो मल्टीपल रीजंस हैं। अगर हम देखें, हर आदमी का अपना वर्जन है उसको लेके। जो लोग वहाँ पे उपस्थित हैं उनका अलग वर्जन है, पुलिस का अलग वर्जन है। जो हमें ज़्यादातर, अगर हम बात करें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें, जम्मू में जो ज़्यादा रीज़न दिया जा रहा है वो यही है। या अगर हम पुलिस का वर्जन इसमें लेते हैं तो उनका पुलिस का वर्जन ये दिया जा रहा है कि हमारे मना करने के बावजूद भी वहाँ पे जो हैं सिविलियंस ने, दे रश टू द स्पॉट जहाँ पे एनकाउंटर हुआ था। सर, जो सिविलियंस गए वो क्या 7 लोग थे या हज़ारों की तादाद के अंदर थे? अगर हम 7 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम 1000 लोगों को कैसे रोक सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है सामने में। और ये किलिंग्स, मैंने आपको बताया कि पिछले 3 साल के आंकड़े में 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस किलिंग के अंदर मारे जा चुके हैं सिविलियंस की। अब मसला ये आता है कि हमारे जम्मू कश्मीर हमारी एक स्टेट है, वो हमारे भाई बहन हैं, हमारा एक रिश्ता है। हम अगर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सिर्फ एक परवेज़ खान की आवाज़ नहीं थी, ये जितने भी यूथ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब लोग हमारे साथ थे। चाहे उसमें हिंदू भी ले लीजिए, चाहे हमारे सिख भाई भी ले लीजिए, वो सब के सब हमारे साथ थे। वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और उसी के साथ साथ में जो हमारे जवान वहाँ पे शहीद होते हैं, हमें तकलीफ उनके लिए भी है। इसमें हम अपने जवानों को कोई दोष नहीं देते। अगर कोई गन उठाता है, अगर कलम की जगह तो उसको जवाब जो है उस गन वाले को गोली का ही मिलेगा। ये तो सत्य है। जो देश के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या हमारे नेशन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या देशद्रोही गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व होगा तो उसको जवाब गोली से दिया जाएगा। परवेज खान जी, ऐसे स्टोन पेल्टर्स, या मैं कहूँगा ऐसे यूथ का क्या करना चाहिए जो अपने रास्ते से जो मिसगाइड हो जाते हैं, जो पाकिस्तान का झंडा उठा लेते हैं कश्मीर के अंदर, जो ISIS का फ्लैग उठा लेते हैं, एंटी इंडियन नारे लगाते हैं, जो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं, ऐसे यूथ का मैं बोलूंगा या ऐसे मिसगाइडेड एलिमेंट्स का, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? कोई सोल्यूशन अगर आपके सर, अगर कोई जख्मी है तो हमें उस पर चाहिए उस पर मरहम लगाना, ना कि उस पर नमक छिड़कना, ना कि उस पर तेल छिड़कना, ताकि वो और मिलिटेंट्स जो है वो हम पैदा करें वहाँ से। जो सिविलियंस उनके घर के गए हैं, इंस्टेड ऑफ उनका साथ देने की बजाय अगर हम उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो हमारे लिहाज से, मेरे लिहाज से पर्सनली, वो बहुत गलत होगा। हम नए मिलिटेंट्स को वो उसमें उसके अंदर बढ़ावा देंगे। तो हमें चाहिए कि जिस तरह से 2002 के अंदर वाजपेयी साहब की तर्ज पे पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, बातचीत ही एक इसका हल निकलता है। हम लोग अपने दोस्त, अपने पड़ोसी को कभी नहीं बदल सकते, दोस्तों को हम बदल सकते हैं। बिल्कुल, आई एग्री टू दैट फैक्ट। लेकिन पाकिस्तान में बात की किसके साथ जाए? वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट जो है, वहाँ का मीडिया खुद ये बोलता है बार बार कि सिविलियन गवर्नमेंट को जो है मिलिट्री जो है वो चला रही है। चाहे नवाज शरीफ की आपने हालत देखी, जो पिछली गवर्नमेंट थी क्या हालत हुई वहाँ पे। पाकिस्तान में बात की किसके साथ जाए? अगर आपको देखिए ना, वहाँ पे आप देखते हैं किस तरह से जो है कंडीशन चल रही है वहाँ पे। सिविलियन गवर्नमेंट की कुछ आवाज़ होती है, मिलिट्री की वहाँ पे कुछ आवाज़ है। अगर सिविलियन गवर्नमेंट पे होता, शायद जो एक प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच एक डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो किसी अच्छे एक मुकाम पे पहुँचता। लेकिन आपने देखा मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जो हमारी रहती है हमेशा टेंस रहती है बॉर्डर के ऊपर। आपने कल भी एक देखा सुंदरबनी पे जो LOC पे एक इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन किया गया जहाँ 3 जवानों की मौत हो गई। हम वहाँ पे, अब मैं आपसे बात करूँगा इसी मुद्दे पे, जैसे कुलगाम्स के बारे में बात कर रहे थे, उसी के दौरान ये इंसिडेंट भी हुआ सुंदरबनी LOC पे भी। उस पे मैंने देखा, चाहे हम अपनी पूर्व CM जो है महबूबा मुफ्ती, या हम बात करें उमर अब्दुल्ला, कुलगाम किलिंग्स के ऊपर तो बड़ा जल्दी उनका बयान आ जाता है, लेकिन सोल्जर्स के मार्टेड होने पे हम देखते हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं शांति का जो है वो एक मुंह बंद सा रह जाता है उनका। ऐसा क्यों रह जाता है? मतलब ये ड्यूल नेचर, ये हिपोक्रेसी क्यों है? सर, हिपोक्रेसी वो लोग क्यों करते हैं या ड्यूल नेचर क्यों करते हैं, वो सवाल आप उनसे ही पूछ सकते हैं। वो इसका जवाब वो बखूबी से खुद देने को चाहेंगे कि जिस वक्त यहाँ पे स्टेट के अंदर दोनों ही चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, दोनों ने ही अपना अपना टर्नओवर अच्छे से निकाला है, दोनों के वक्त के अंदर ही मिलिटेंट्स पे कोई नरमी नहीं बरती गई, दोनों के वक्त के अंदर मिलिटेंसी को ख़त्म करने की अब कोशिश की गई। उसके अंदर अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने ये निकाला था मिशन ऑल आउट के तहत, आपको मैं बता दूं कि 2017 और 18 के अंदर 300 से ज़्यादा जो है वो मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर हम 300, हमें मिलिटेंसी को ख़त्म करना है। मेन हमारा ये है कि हमने मिलिटेंसी को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, और इस पर हमें बार बार उनसे बातचीत
करनी पड़ेगी। हम लोग कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ आप बातचीत करोगे और हमें वाजपेयी साहब का जो बताया हुआ रास्ता है हमें उस पर चल के अपनी स्टेट को अगर बचाना चाहते हैं, अगर इन रीजन्स को डिवाइड नहीं करना चाहते, आज माहौल वो हो चुका है कि हम कश्मीरियों को अपना जम्मू वाले मानते नहीं हैं, ना जम्मू वाले कश्मीर को अपना मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट खड़ा हो चुका है हमारे बीच में। ये बहुत ही एक डिफरेंस है, हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है। कि वो ख़त्म कब होगा, कि जब हम कश्मीरियों के दिल जीतेंगे। हम कहते तो हैं कि कश्मीर हमारा, तो बट क्या कश्मीरी नहीं हमारा? हमारा ये मानना है कश्मीर भी हमारा और कश्मीरी भी हमारा है। देखिए, बात करेंगे दोबारा से, जैसे कश्मीर में जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस होते हैं, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं, उसमें हम देखते हैं हमेशा जो है कहीं ना कहीं लोकल जो स्टोन पेल्टर्स होते हैं, आप उनको एक जनरलाइज वर्ड यूज़ करना है वो कर सकते हैं, या आप उनको स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिविलियंस में ही जो लोग हैं वो आते हैं और सपोर्ट करते हैं आगे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में आके, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को आके डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वहाँ पर आर्मी के ऊपर स्टोन पेल्टिंग की जाती है, पुलिस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग की जाती है, कहीं ना कहीं उस ऑपरेशन को जो है इफेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे मौके में पुलिस या ऐसे मौके में फोर्सेस के पास क्या रेजोल्यूशन जाता है? टियर गैस ना चलाएं, पैलेट्स ना चलाएं। तो आपने देखा जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स लास्ट समर में हुए थे, उस टाइम क्या सोल्यूशन रह जाता है फोर्सेस के पास, जब आगे आपके ऊपर हजारों की तादाद में पत्थर बरसाए जा रहे हैं? सर, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत ही एजुकेटेड लड़का स्कॉलर जो था मनन वानी, अगर उसके हाथ के अंदर कलम की जगह गन आई, हमें वजह ढूंढनी है कि वो गन क्यों आई उसके हाथ के अंदर, उसने गन उठाने पे क्यों मजबूर हो गया। उसी तरह से जो आज का नौजवान यूथ जो कश्मीर का है, पढ़ा लिखा यूथ जो है वो मिलिटेंसी की तरफ जा रहा है, वो बहुत बड़ा खतरा है हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी इंडियन आर्मी के लिए भी, बेल फोर्सेस के लिए भी। सर, इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता? सर, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इस पे ना जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना किसी भी सियासी दायरे जो है, जितने भी हमारे सियासतदान है, किसी की तरफ से इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती कि जो यूथ, जो पढ़ा लिखा यूथ है, वो जो मिलिटेंसी की तरफ जा रहा है या टेररिज्म की तरफ जा रहा है, उसको वापस किस तरह से लिया जाए? सर, यही चीज़ तो लेने के लिए, अगर रिसेंटली आप लास्ट ईयर देखेंगे 2017 आई थिंक 17 और शायद इसी साल में 18 में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए थे कश्मीर के अंदर, तो कश्मीर के अंदर उन्होंने ये कहा था कि 11,000 स्टोन पेल्टर्स को वापस लिया था, अपने से किया तो है बट उसको मुकम्मल तौर पे नहीं कर सके। एक तरफ पे हम वापस ले लेंगे, दूसरी तरफ पे हम सिविलियन किलिंग्स कर देंगे, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते। आप कश्मीर को अपनाइए, कश्मीरी को अपनाइए, फिर देखिए कि उसका हल क्या निकलता है। और दूसरा नंबर, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे हमारे मुल्क के साथ, पड़ोसी मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ, इसका मेरे अंदाजे से कोई हल नहीं निकल सकेगा। पाकिस्तान के साथ बातचीत मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है, पाकिस्तान पार्टी नहीं है इसमें सर, कश्मीर JNK इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ, ये हमारे जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सर, जम्मू कश्मीर जो है वो इंटेग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, फिर पाकिस्तान पार्टी कहाँ हो गया बीच में? पाकिस्तान से डिस्कशन कहाँ तक, मतलब आप जब ये बात बोलते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, क्यों की जाए पाकिस्तान से बातचीत, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है? मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्लियर वर्ड्स में लिखा है जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, क्लियर लिखा। सर, अगर पाकिस्तान के साथ कोई बात ही नहीं कर रही, फिर हमारी जंग किस बात की है? फिर कश्मीर हमसे नाराज़ क्यों है, कश्मीरी क्यों नाराज़ है, या उनको किस तरीके के साथ जो अलगावादियाँ हैं उनके साथ बातचीत नहीं अगर करेंगे, अगर किसी भी टेबल टॉक पे अगर नहीं जाएंगे तो इसका हल क्या निकलेगा, ये बताइए। बातचीत डायलॉग होनी चाहिए, डायलॉग आपकी बिल्कुल बात अग्री हम करते हैं, डायलॉग होनी चाहिए, लेकिन डायलॉग में पार्टी या तो कश्मीर के लोग हैं या तो भारत की सरकार है। पाकिस्तान इज़ नॉट ए पार्टी। जिस तरह से आप पाकिस्तान को बार बार, आपने दो बार बोला कि पाकिस्तान भी पार्टी है, पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए, पाकिस्तान डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो बॉर्डर्स पे जो टेंशन है उसको लेके होना चाहिए, जो आज़ाद कश्मीर है जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसको लेके होना चाहिए। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, या जिस तरह से प्री 1947 जो हमारा जो भी हमारे स्टेट का स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो। सर, बातचीत के बिना कोई हल नहीं निकलेगा। अगर वहाँ पे अलगावादी हैं तो वो भी तो कश्मीर का पार्ट हैं, तो वो भी तो कश्मीरी हैं, तो बातचीत तो उनके साथ भी करनी पड़ेगी। आपने कभी अलगाववादियों को कुछ ऐसी बात करते सुना जिसमें उन्होंने विकास की बात की हो, जिन्होंने डेवलपमेंट की बात की हो? तो उनसे भी बात करना कितना जायज़ है? आप जब भी उनको देखेंगे, उनको ऐसी तकरीरें करते हुए देखेंगे जो तकरीर कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए ही जो है डेंजरस है। सर, अगर एक कोई उनका एक कोई ऐसा बयान सामने बता दीजिए जिसमें उन्होंने जो है कहीं डेवलपमेंट की बात की हो, लोगों की भलाई की बात की हो। सर, अगर आज की बात करते हैं ना आप अलगावादियों को लेके या वहाँ के लोगों को लेके, वहाँ के लोग ना तो अलगावादियों को पसंद करते हैं, ना
यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को जिन्होंने सिविलियन किलिंग की है, ये मैं साफ लफ्ज़ों के अंदर आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे लोग जो हैं वो पुरसकून अमन के साथ रहना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि जो लोग अपने घरों के अंदर बैठ के डिस्कशंस करते हैं, इंस्टेड ऑफ आप कश्मीर के लोगों के साथ एक दफ़ा डिस्कशंस कीजिए, वहाँ के यूथ के साथ डिस्कशन कीजिए, वहाँ के पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कीजिए कि वहाँ के पेरेंट्स क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को उसी तरीके के साथ पालना चाहते हैं जिस तरीके के साथ जम्मू के अंदर लोग पालते हैं, वो भी अपने बच्चों को उतनी मोहब्बत करते हैं जितना हम अपने बच्चों को मोहब्बत करते हैं। हम उनके पेरेंट्स से डिस्कशन करते हैं सर, हमने की है उसमें डिस्कशन, जिसमें उनके पेरेंट्स से ये कहना है कि हमें वहाँ से छोड़ के जम्मू इसलिए आना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हालात खराब है, वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो उनको जो है बच्चों को पढ़ने स्कूल नहीं जाने देते। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो एलिमेंट्स जो गंदे एलिमेंट्स उठ के वही एलिमेंट्स को माहौल खराब करते हैं। यही माहौल को हमने सीधा करना है, कैसे करें सॉल्यूशन सर, सोल्यूशन उसी का निकालना है। सोल्यूशन निकालना अगर मेरे हाथ में होता मैं निकालता सोल्यूशन। अब सोल्यूशन जो है वो सरकार के हाथ में है, क्या सरकार एक पहल करती है कश्मीरियों को बचाने के लिए या कश्मीरियों को मरने के लिए छोड़ देगी? सर अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्टेप हैं जो कहीं ना कहीं पहल जिसको आप कह सकते हैं। आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को बकायदा कोटा मिलता है, अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए पीएम स्कॉलरशिप है जिसके तहत जो है यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जो है आप कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है, और कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है दी जाती है यहाँ के स्टूडेंट्स को। मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करूँगा, मैं लद्दाख की, जम्मू की बात भी करूँगा, जो है पूरे हमारे स्टेट के बच्चों को दी जाती है। सर कल सात अपनी तरफ से परसों जो सात लोगों की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है जितना कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि परसों सात लोगों की जो किलिंग हुई है उन लोगों का साथ देने के लिए कश्मीरी पंडितों ने साथ दिया, बट अफसोस कि हमारे लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। सर हम मैं ये नहीं कहता कि आप बंद रखिए, मैं नहीं कहता, मैं कहता कम से कम एक कंडेम्ड जो है वो हमारी बनती थी, बहुत सारी सिविल सोसाइटीज थी, आज की डेट के अंदर हमें रीजन और रिलीजन के नाम से बांट दिया गया, दिस इज़ अ फैक्ट और इस चीज़ को हमें अपनाना होगा, ये नहीं कह सकते। और ये चीज़ क्यों हुई, जस्ट चंद कुछ गंदे एलिमेंट्स की वजह से, जो कश्मीर के अंदर भी गंदे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और जो कुछ जम्मू के अंदर भी बैठे हुए हैं। अगर आप नाम लेने के लिए बोलूंगे, मैं नाम नहीं लूंगा इस वजह से कि हमारा जो आपस का भाईचारा है हम इसको खराब नहीं करना चाहते। मेरे एक ही था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों खित्ते हमारे हैं, ये स्टेट हमारी है, अगर वहाँ का कोई लोग मरते हैं तो अफसोस हमें होना चाहिए कि हमारी फैमिली का एक मेंबर चला गया, और अगर कोई नौजवान हमारी आर्मी का जवान मरता है तब भी हमें उतना ही अफसोस होता है जितने एक कश्मीर के नौजवान के मरने पर अफसोस होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे फादर साहब 16 साल आर्मी की नौकरी करके आए हुए हैं, वो रिटायरमेंट ली है उन्होंने, और रिटायरमेंट करने के बाद एज एन सोशल एक्टिविस्ट हम लोग काम करते हैं, तो जितने भी लोग हैं हम उनके साथ जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके अपना दुखड़ा सुनाता है, तो वो दुखड़े सुन के हमारा भी दिल अंदर से रोता है। ये मेरी एक मजबूरी बनी आज की डेट में आके कि एक कश्मीर इशू पे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, और हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे साथ सिख भाई भी थे, हिंदू भाई भी थे, हम मुस्लिम भी थे, हम सब लोगों ने यूनाइट हो गए कि कश्मीर के साथ हम सब लोग खड़े हैं। हम सीधी चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि अगर कश्मीर के अंदर ये सिविलियन किलिंग्स अगर बंद नहीं होती, हम सारे के सारे यूथ को जोड़ेंगे। ये हमारा यूथ आजकल पहले की तरह नहीं है जिसको बरगला के आप डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर लेके जा सकते हैं, अगर नहीं हुआ हम यूथ को लेके हम हंगर स्ट्राइक करेंगे कि आप इस किलिंग को बंद कीजिए प्लीज। आपको क्या लगता है क्या किलिंग जो आप जिसको आप किलिंग वर्ड यूज कर रहे हो किस तरह से बंद की जा सकती है? सर 300 से ज्यादा लोग जो है वो आज की डेट में पिछले 3 साल के अंदर मारे जा चुके हैं, एक तो मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं, सिविलियन किलिंग 100 से ज्यादा हो गई। अब उन सिविलियंस का क्या कसूर था ये बताइए आप, और डेलिबरेटली सर में गोली मार रही, और ये जो स्टोन पैलेट गन यूज करके पैलेट गन से की वजह से 6,000 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, इसके विक्टिम्स हैं, इस चीज का जवाब कौन देगा? प्रवेश जी ऐसे हम देखते हैं कि सर आप बड़ी बड़ी डिबेट्स टीवी डिबेट्स देखिए कुछ देखिए वहाँ पे, तो चलिए हिंदू मुसलमान चल रहा होता है, किस तरह से पोलराइज किया जाए सोसाइटी को, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, किसी के घर में जाके कभी आर्मी ने पैलेट गन तो नहीं चलाई? सर वो जो लड़की जिसने 10th के अभी एग्जाम दिए, वो मैं बता दूं कि आपको वो पास भी हो गई है, और वो अपनी खिड़की के अंदर बैठी हुई थी। सर ऐसे कितने वो अपनी खिड़की के अंदर बैठी हुई थी। अगर आप इंक्वायरी करने पे आएंगे, ऑफिशियल ये है 2530 का आंकड़ा दिया गया है, अनऑफिशियली ये 5900 समथिंग है, इसमें अनऑफिशियली मैंने तभी कहा कि बारे में आपने बताया। सर ऐसे कितने केसेस? सर ऐसे कई वाक्या होंगे, अगर आप मुझे बोलेंगे मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल जो है वो सेंड कर दूंगा। आर्मी ने उसके घर पे जाके उनको जो है पैलेट्स, घर पे जाके नहीं, चाहे डेलिबरेटली या किसी ने किस वजह से किया, उसने खिड़की वो अपनी खिड़की से उसने खिड़की और सीधा उसको शूट कर दिया। यही पॉइंट है अनइंटेंशनली बात, यहाँ पे आप अगर इसको यूज करें वर्ड को अनइंटेंशनली,
तो वो सही समझ आती है, वो आपको भी समझ आती है, हम भी समझते हैं कि कोई आर्मी या कोई भी फोर्स का बंदा जो है किसी को कुछ जाके डेलिब्रेटली नहीं मारता किसी भी सिविलियन को, या तो वो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन जो होते हैं उसमें मारे जाते हैं क्रॉस फायरिंग के बीच, ग्रेनेड ब्लास्ट जो होते हैं उसके बीच, जिस तरह से कुलगाम में हुआ एक IED ब्लास्ट की डिवाइस जो, अगर आपने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पर एक मिलिटेंट्स के जो वहाँ से असला मिला है उसमें एक IED ब्लास्ट डिवाइस भी मिली है वहाँ से, जो ब्लास्ट हो चुकी थी और जिनकी डेथ्स हुई है वो भी मिलिटेंट्स का IED था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, ना कि आर्मी का कोई ग्रेनेड था या आर्मी का कोई वेपन था जिसकी वजह से डेथ हुई है उनकी। क्वेश्चन फिर मेरा यही आता है कि रीजन को ढूंढेंगे या इसको हम पेंट करेंगे कि बस इस पे हमने इल्जाम लगाना है किसी पे, चाहे वो आर्मी पे लगाएं चाहे पुलिस पे लगाएं, रीजन को ढूंढेंगे कि क्या रीजन रहा है एक्चुअल में, फिर उसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि हमने आज तक यही देखा है कश्मीर मुद्दे में हमेशा हमने किसी ना किसी इंसिडेंट को पेंट करने की कोशिश की है, उसको रिजॉल्व करने की हमने जो है कभी भी चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, आज तक जितनी भी सरकारें आई उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किसी ने नहीं की, सब ने या तो अपना पलड़ा जा रहा है या तो उन्होंने पेंट करने की, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश किया किसी दूसरे पे। सर इस पे तो हम अपनी इंडियन आर्मी को पहली बात है इल्ज़ाम ठहरा ही नहीं सकते, हमारी इंडियन आर्मी बखूबी से बड़ी जिम्मेदारी से काम लेती है, हमारी पुलिस जो है वो भी बड़ी जिम्मेदारी से काम लेती है। सवाल यही उठता है कि हज़ारों लोग होते तो उनको नहीं रोका जाता, वो बात अलहदा थी, 7 लोगों को अगर हम लोग नहीं रोक सकते डेलिब्रेटली, हम क्या हमने वहाँ पे भेजा है या खुद उनको लेके गए हैं, क्या हुआ है, क्या वजह हुई है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें जो स्टेटमेंट पुलिस की आई है उनका ये कहना था ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही जो है स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स हज़ारों की तादाद में लोगों ने शुरू कर दी थी वहाँ पे, और ऑपरेशन ख़त्म होने तक और उसके बाद भी जो है चलता रहा, और उसमें से कुछ लोग थे जिनका शायद घर था वहाँ पे या जिनके जो रिलेटिव थे उन आतंकवादियों के, उन्होंने रश किया स्पॉट पे उनको जाके, क्योंकि एक इमोशनल उनका रहता है, आप भी समझते हैं इस बात को, जो हमें देख रहे हैं उनको भी समझते हैं, तो उन्होंने रश किया स्पॉट की तरफ जिनकी डेथ, जिनमें से 7 लोगों की जो है डेथ हो गई है वहाँ पे। सर डेथ तो हुई है बट बात फिर से वहीं की वहीं आके हमारी खड़ी हो गई कि हमने इसका सोल्यूशन क्या ढूंढा, हमने हमें जो ढूंढना है वो सोल्यूशन ढूंढना है कि कश्मीर के अंदर ये खून की होली कब तक खेली जाएगी। आज 30-35 साल से तो लगातार मिलिटेंसी चल रही है जिसके अंदर 1-1.5 लाख नौजवान जो है वो मारा जा चुका है वहाँ का, और कुछ तो नौजवान ऐसे थे जिनकी माओं को आज तक उनके बच्चों की कब्रें तक नहीं मिली कि उनके बच्चों की कब्र कहाँ पे है, आखिर कब तक, ये सवाल है कश्मीर का। और हमारा ये था कि कश्मीर अपने आप को अकेला ना समझे, हम जितने भी जम्मू के आने वाली नस्लें जो यूथ हैं वो हम सब उनके साथ खड़े हैं, और ये सिविलियन किलिंग्स को बंद कर दीजिए प्लीज़, हमारा एक ही सवाल है, सिविलियन किलिंग्स को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो डेलिब्रेटली हो चाहे वो एक्सीडेंटली हो चाहे कैसी भी हो। देखिए एक्सीडेंटली जो होगा उसको तो ना हम रोक सकते हैं या ना आप रोक सकते हैं, क्रॉस फायरिंग में अगर कोई आता है, स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स होते हैं उस दौरान जब अगर किसी की किलिंग हो जाती है उसमें शायद जो फोर्सेज होते हैं जिन पर पत्थर आ रहे होते हैं उनके लिए भी मजबूरी बन जाती है अपने आप को सेव करना किसी तरह से, लेकिन वो भी हम देखते हैं कितने एहतियात जो है वो बरते जाते हैं, कितना पेशेंसली जो है वो फोर्सेज वहाँ पर काम लेती हैं, हमने देखे किस तरह से उनके ऊपर भी कितने इस तरह के हमले होते हैं, फिर जब गाड़ी के नीचे कोई आ गया था उस टाइम, उस दौरान भी काफ़ी इस मुद्दे को भुनवाया गया पॉलिटिकल मुफायदों के लिए। चलिए परवेज़ जी, हम भी आशा करते हैं कि कश्मीर का जो इशू है, जो कश्मीर इस टाइम बॉयल हो रहा है, वो भी जल्दी से जल्दी जो है, वो अब सर्दियां तो आ ही रही हैं वैसे, ये हम देखते हैं समर्स में तो ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी राइज होते हैं, लेकिन अब सर्दियों में शायद ये ठंडा होगा, और जब हम अगली गर्मियाँ देखेंगे तो हमें एक शांति का माहौल दिखेगा कश्मीर में, दोबारा से वो खुशी दिखेगी कश्मीर में जो पहले हुआ करती थी, दोबारा से टूरिज्म सेक्टर जो कश्मीर का था जिस पे लोग बढ़ावा मिलने पे जिस पे लोग खुश होते थे वो दोबारा से खुश होगा। आप हमारे शो में आए प्रवेश, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं जिस तरह से आपने बात की, आप यूनिटी की बात करते हैं यूथ की, आप इसके इस कार्य में लगे रहें और जो हमारे प्रदेश का यूथ है उसको सही रास्ता भी दिखाएं एज अ सोशल एक्टिविस्ट, और ऐसे ही यूनिटी की बात करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।